नींद आई सही भाई, बहुत जबरदस्त बोला तो खड़ा खड़ा इतना खड़ा नहीं हुआ, मैं थक गया था उल्टी में। अरे भाई मैं हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों नवाब साहब मौजूद हैं कल से, कल तो माशाल्लाह नवाब साहब का तारीखी फंक्शन आप लोगों ने भी देखा, पाकिस्तान ने, पाकिस्तान से बाहर जो अपनी नजरात ने भी, और आज इंशाल्लाह नवाब शाह की चंद नामवर छतों का शौक भी करवाएंगे। और इस वक्त हम मौजूद हैं नवाब शाह के 2018 के चैम्पियन शकील साहब की छत पर, और उस्ताद हाजी हुसैन नज़ामानी साहब के ये शागिर्दे ख़ास हैं जी। हुसैन नज़ामानी सिंध में एक जाना पहचाना नाम, बड़ा मोतबर नाम, और ये उनके जी खलीफा हैं जी। क्या नाम है जी? बहादुर अली भंगवाल साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं जी। हस्ब रवायत खलीफा नबी साहब, ऑल नवाब शाह पिजन एसोसिएशन के सरपरस्त आला अजीज़ खान जदून साहब, और उनसे आगे जी सदर हैं जी हाजी आज़ाद अली, हाजी आज़ाद अली साहब नवाब शाह पिजन एसोसिएशन के, और चैम्पियन नवाब शाह 2018 शकील साहब। शकील साहब कैसे हैं जी? अल्लाह माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त शौक रहा, और इस दफ़ा तो गर्मी में बड़ी धूम मचाए रखी, क्या कहेंगे माशाल्लाह जी। मेरा तो यही पैगाम है दोस्तों के लिए कि कबूतरबाजी एक अच्छा शौक है, इसको आपस में सियासत की नज़र नहीं किया जाए, और प्यार मोहब्बत से इस शौक को आगे के लिए बढ़ाया जाए। और ये हमारा खेल है, किसी की जो है ना जाती जो है ना वो आपस की लड़ाई नहीं है, तो इसलिए इसको जो है ना अच्छे से अच्छा किया जाए, और इसमें जितनी बेहतरी हो वो किया जाए। शकील साहब थोड़ा सा अपने 2018 का हमें थोड़ी सी कारकर्दगी बताएं। माशाल्लाह सुना काफ़ी, यानी सारे ही सफाई कर दिया इनामात का जी, मेहनत की है, कुछ कबूतर कुछ उस्ताद की मेहरबानियाँ हैं, अच्छा कुछ कबूतर अच्छे हैं दिए गए, अच्छा जो उनकी अपनी परवाजें कबूतरों की जो है ना, हाँ। गर्मी में 48, 47, 48, 50 सेंटीग्रेड में भी वो 2-3 बजे तक की अपनी परवाज करते हैं, अपनी परवाज करते हैं बगैर जो है ना उसको दाना पानी के अलावा। तो कबूतरों का एक अच्छा होना, फिर एक हमारे उस्ताद माशाल्लाह बहुत काबिल उस्ताद हैं हाजी हुसैन अली निज़ामानी साहब, और उनकी शफकत है जिनकी वजह से ये हमारे कबूतर माशाल्लाह 2017 में भी हम चैम्पियन रहे, 2018 में भी हम चैम्पियन रहे, तो बहुत अच्छे मकसद, उड़ान भी अच्छी है कबूतरों की, परवाजें भी बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका तो हैट्रिक पे है इस दफ़ा 2019 में, हैट्रिक पे है जी। मेहनत करेंगे ये। अच्छा ये जो यहाँ पे शौक है नवाब शाह में, ये यानी टिपिकल गर्मियों का शौक? जी जी बिल्कुल, और 47-48 टेम्परेचर में 2-3 बजाना भी बहुत बड़ी बात है जी जी। और खुद ही उड़ना, यानी बगैर किसी यानी दाने पानी के, आप ये कहना चाह रहे हैं, और दाने पानी के साथ तो फिर जानवर 4-5 वो बिल्कुल इसी तरीके से कि अपनी उड़ान परवाज 2-3 बजे तक की करते हैं जी। अच्छा, जी, अच्छा, जी उसके बाद जब गेम में फिर दाना पानी में आते हैं तो कबूतर वो फिर 4-5 बजे तक की परवाज कर जाते हैं इस गर्मी के अंदर जी जी। आखिरी कब तक उड़े हैं, आखिरी परवाज कब तक की है माशाल्लाह? ये इस सीज़न की तो उस्ताद 6:00 पे मेरे 2 कबूतर जो है ना जी बैठे हैं। अच्छा जी जी जी, अच्छा जी जी, 6:00 पे। टोटल कितने के इनाम 2018 में जीते? 2018 में जी उस्ताद जी 3 फर्स्ट हैं। अच्छा हाँ जी, 3 अपनी जो है ना विनर मोटरसाइकिलें हैं माशाल्लाह, और एक जी साजिद ना 6 जी जी, एक थर्ड जो है ना वो नंबर है। अच्छा माशाल्लाह, फिर तो इनामत की लाइन ही लगा दी, इनामत की लाइन भी लगा दी। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल हैं जी ऑल नवाब शाह पिजन एसोसिएशन के अशरफ मंसूरी साहब। तो अशरफ साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? ये कहता हूँ कि नवाब शाह का शौक जो है ना सबसे ज़्यादा मुश्किल है पूरे सिंध में, क्या पूरे पाकिस्तान में। यहाँ पे एक दादू की हवा चलती है जिससे अच्छे अच्छे खिलाड़ी परेशान हैं, बाहर के आए हुए खिलाड़ी भी यहाँ पर आकर फेल हो जाते हैं। यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वही इन कबूतरों को समझते हैं और वही इनको उड़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई दफ़ा ऐसा टेम्परेचर पड़ता है कि 8 या 9 बजे भी कबूतर अपनी जान दे देता है। अच्छा, उसके जिस्म से पानी कम हो जाता है और जिस्म नीला हो जाता है, उसका पैर नीले हो जाते हैं, उसको संभालना मुश्किल है। और यहाँ पर एक एक महीने की ये जिस छत में खड़ा हूँ
इनकी ये एक बात है कि इन्होंने एक एक महीने की बाजियां लगाकर उड़ाई हैं और ये बहुत अच्छे कबूतर परवर हैं, इनके उस्ताद भी बहुत अच्छे कबूतर परवर हैं। एक महीने की बाजियों से क्या मुराद होता है? एक महीने की बॉन्ड बाजी होती है यहाँ पर, कोई आठवां कबूतर नहीं लगता है, सात कबूतर की बॉन्ड बाजी होती है और डेली उड़ाना है, जो पीछे रह गया एवरेज में वो खत्म। अच्छा, और जो आगे जा रहा है वो जानवर जाया हो गया वो खत्म, फिर छह उड़ाएगा, वो छह उड़ाएगा। जी हाँ जी, अगर दो जाया हो गए तो पांच उड़ाएगा, पूरे महीना चल रहा है। हाँ, कोई इसके अंदर गुंजाइश नहीं रखी है, सब तरीन बाजी यहाँ की है। और ये जिस छत पे खड़ा हूँ, इन्होंने 11 रोजा बाजी भी उड़ाई है, वो भी जीती है, और 3 रोजा बाजी, ये 2017 और 18 की चैंपियन छत है जिस छत पे हम खड़े हैं। इन्होंने अब कैसे इतने नंबर मारे कि हमने, हमारे जितने नंबर थे ना, हमने इनके जाके स्टेज पे जब ये अपने फ़ोटो खिंचवा रहे थे तो हमने जब उधर अपने नंबर गिने तो हमारे आधे नंबर इनके पास थे यूनियन के। यानी ये तो यूनियन पे डाका पड़ गया, यूनियन की आधी रकम ये ले गए। और उसका नाम क्या, चैंपियन भी हमारे दो थे तो दोनों के दोनों चैंपियन इन्होंने उठाए। 5:22 पे रफीक जरदारी के कबूतर बैठे हैं और इनके ही माशाल्लाह 4 के बाद कबूतर, इन्हीं का पीर भाई है वो हुसैन निज़ामानी का खलीफा, वहाँ मेहनत करता है जिसका बहादुर नाम है खलीफा बहादुर अली भंगवार। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत अच्छे उस्ताद की ज़रूरत है इन कबूतरों को संभालने के लिए, यहाँ पर नवाबशाह की गर्मी के हिसाब से। तो अभी हमारा फंक्शन भी रात हुआ, कुछ थके हुए भी हैं हम लोग बहुत। अभी हमारे तुर्राब हैदर भाई आए हुए हैं, इनका हम साथ दे रहे हैं, लेकिन हमें आज सोना था। अभी मैंने हाजी साहब को भी बुलाया, हमारे उस्ताद, बड़ी दिल की खुशी हमें आज इसलिए हुई है कि थोड़ा सा हमें दिल के अंदर थोड़ी वो थी, तो हमारा जो आज हमारे सरप्रस्त आला हमारे साथ मौजूद है तो हमें बहुत खुशी हुई है, मुझे ख़ास तौर पर बहुत खुशी हुई है। हालांकि मैंने कभी ज़िंदगी में डांस नहीं किया है, रात जो थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम हुआ है तो ये मेरे देख रहे होंगे आप, मैंने नए कपड़े भी अपने फाड़ लिए हैं और थोड़ा सा डांस खुशी में किया है, इसलिए कि यार मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं इनके बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये जो हमारे बड़े हमारे ऊपर हाथ रख कर चल रहे हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि नवाबशाह का फंक्शन इसी तरह से होता रहेगा। और सारे हमारे भाई हैं, हमने अपना मोनोग्राम भी ये लगाया है कि हमें सबसे प्यार है, ये हमारे हर बैनर पे आप लोगों ने देखा भी होगा जितने भी नवाबशाह के शौकीन आए हैं। और हमने फौजियों का भी एक हिसाब किताब लगाया था और हम फौजियों के साथ हैं, नवाबशाह की पिजन एसोसिएशन, आल नवाबशाह पिजन एसोसिएशन हमारा नाम है। और इंशाल्लाह हम सबको साथ लेके चलेंगे, हमारी किसी से कोई बात नहीं है, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। शकील भाई, अब जरा कुछ थोड़ा सा शौक भी करवाएं अपने चैम्पियन कबूतरों का और थोड़ा सा हमें बताएं भी कि माशाल्लाह ये ब्रीड कहाँ से आपके पास आई, कैसे बनी, थोड़ा सा शौक करवाएं हमें ज़रा, कहाँ से करवाएंगे माशाल्लाह।